नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह। चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों की तरफ। सिद्धार्थनगर जिले में आज यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया, साथ ही बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के लोगों को राहत किट बांटी। मुख्यमंत्री आज सुबह 10 बजे डुमरियागंज तहसील पहुंचे। वहां उन्होंने बाढ़ से प्रभावित लोगों से मिलकर समस्याएं जानी और बाढ़ राहत किट वितरित की। फिर बाढ़ की स्थिति का हवाई सर्वेक्षण करते हुए जिले के नौगढ़ तहसील क्षेत्र के उसका स्थित किसान इंटर कॉलेज पहुंचे और क्षेत्र के लोगों से मिलकर राहत किट बांटी। इस अवसर पर सीएम वह उपस्थित सभी लोगों के पास पहुंचे और बाढ़ पीड़ित महिलाओं की गोद में बैठे बच्चों को अपनी गोद में लेकर बिस्किट खिलाते नजर आए। इस अवसर पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस बार दशकों के बाद ऐसी बाढ़ आई है। हमने पहले से काफी बंधों आदि का निर्माण करा रखा था जिससे लोगों को लाभ मिला है। हमारी सरकार प्रत्येक बाढ़ पीड़ित की मदद के लिए तत्पर है, पूरी व्यवस्था की जा रही है। लगभग 2 लाख की आबादी के सभी पीड़ित परिजनों के प्रति राहत सामग्री की समीक्षा करने, राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा करने और उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करने के लिए मैं आज सुबह से ही जनपद सिद्धार्थनगर के इटवा, सोरतगढ़, डुमरियागंज, बांसी होते हुए अब नौगढ़ में आया हूँ। मुख्य रूप से राप्ती, बूढ़ी राप्ती, बाणगंगा, कूड़ा आदि नदियों के कारण यहाँ पर बाढ़ आई है या जल भराव की भीषण समस्या खड़ी हुई है। विगत 15 दिनों से लगातार बारिश के कारण और नेपाल में भी भारी बारिश के कारण नेपाल से सटे हुए पूर्वी उत्तर प्रदेश के इन सभी जनपदों में बाढ़ की विभीषिका का सामना करना पड़ रहा है। माननीय जनप्रतिनिधियों के मार्गदर्शन में स्थानीय प्रशासन, जिला प्रशासन युद्ध स्तर पर बचाव और राहत कार्यों के लिए कार्य कर रहा है। हर पीड़ित परिवार को पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न मिल सके, हर प्रभावित गांव में नाव की व्यवस्था ग्राम पंचायत की ओर से या नगर निकाय की ओर से एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पीएसी की फ्लड यूनिट को भी पर्याप्त मात्रा में हर एक जनपद में डिप्लॉय किया गया है। कंट्रोल रूम के माध्यम से एक एक गतिविधि पर नजर रखने के साथ साथ बाढ़ चौकियों के माध्यम से हर पीड़ित परिवार को समय से राहत पहुंचाने, बाढ़ से बचाव करने के सभी उपाय किए जा रहे हैं। हम लोगों ने पहले से ही इस बारे में प्रशासन को निर्देश दिया है कि बचाव और राहत कार्य में किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। पर्याप्त मात्रा में धनराशि और संसाधन हर एक जिला को उपलब्ध कराए गए हैं। राहत के लिए हर एक प्रभावित परिवार को 10 किलो चावल, 10 किलो आटा, 10 किलो आलू, 5 किलो लाई चना, 2 किलो दाल, रिफाइंड ऑयल के साथ साथ मिर्च मसाला, नमक, बीएसवाई और भी अन्य सामग्री जो एक घर के लिए किसी भी पीड़ित परिवार के लिए आवश्यक है, सभी सामग्री उन्हें उपलब्ध कराई जा रही है। ये भी व्यवस्था दी गई है कि जहां पर किसी पीड़ित का मकान ध्वस्त हो जाए उसको तत्काल 95,000 रुपये उपलब्ध करवा दिए जाएं। आंशिक रूप से क्षति होने पर भी उनसे सहायता देने की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही नदी